नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। रेलवे की जरूरत और गुणवत्ता के हिसाब से व्हील की आपूर्ति को तैयार है सेल। सेल अध्यक्ष, इससे आयात में कमी लाने में मिलेगी बड़ी मदद। आरएसपी में एमटीटी के लिए स्थानीय प्रवेश कार्यक्रम जारी। और राउरकेला स्टील प्लांट में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई सुरक्षा पहल ग्रहण किया गया। अब समाचार विस्तार से। सेल दुर्गापुर इस्पात संयंत्र देश का एकमात्र फोर्ज्ड व्हील का निर्माता है। यह हमारे लिए सबसे बेहतर समय है कि हम अपनी व्हील निर्माण क्षमता को उत्पादन में बदले और भारतीय रेलवे की मांग को उसकी जरूरत और गुणवत्ता दोनों लिहाज से पूरा करें। सेल ने भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड आवागमन के लिए आयात किए जा रहे LHB कोचों के लिए LHB व्हील का भी विकास किया है, जिनकी आपूर्ति सेल बहुत जल्द ही शुरू कर देगा। साथ ही सेल ने कोलकाता मेट्रो द्वारा आयात किए जा रहे व्हील को अपने दुर्गापुर संयंत्र में विकसित करके न केवल आपूर्ति करना शुरू कर दिया है, इससे न केवल आयात में खर्च हो रही विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि भारत सरकार के मेड इन इंडिया स्टील अभियान में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह वक्तव्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने 20 अक्टूबर को सेल के दुर्गापुर स्थित दो इस्पात संयंत्रों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र DSP और अलॉय स्टील्स संयंत्र ASP के दौरे के दौरान किया। इस अवसर पर उनके साथ सेल के कार्यकारी निदेशक गण भी थे, ताकि उनके दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके। सेल अध्यक्ष ने आगे कहा, दुनिया के साथ साथ भारत के भी इस्पात के बाजार में सुधार आया है। एक तरफ भारत सरकार सार्वजनिक निर्माण जैसे पुल, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज समेत विभिन्न कारखानों के ढांचों पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ देश में बहुमंजिला और गगनचुंबी इमारतों का निर्माण बढ़ रहा है। ऐसे में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मीडियम स्ट्रक्चरल मिल की भूमिका काफी बढ़ जाती है। हमने अपने स्ट्रक्चरल उत्पादों को बाजार में नेक्स्ट ब्रांड के रूप में पेश किया है। हमें इस ब्रांड को बाजार में और पुख्ता करना है तथा इसकी अनवरत आपूर्ति को बनाए रखना है। हमें स्मार्ट स्ट्रक्चरल और व्हील की अनवरत आपूर्ति को बनाए रखना है, जो आप सभी के नियमित और लगातार लक्ष्य को ध्यान में रखकर सामूहिक रूप से पूरी क्षमता, प्रतिबद्धता और समर्पण से कार्य करने से ही संभव हो पाएगा। इससे पहले सेल अध्यक्ष श्री चौधरी ने कार्मिकों को सुरक्षा शपथ दिलाते हुए कहा कि केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात का उत्पादन करने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। हम अपने आप को तब सफल मानेंगे जब हम शून्य दुर्घटना के साथ देश को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद की आपूर्ति करें। आगे उन्होंने कहा कि हमें उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और लागत कम करने की दिशा में पूरी सक्रियता से काम करने की जरूरत है। हमें ERP सिस्टम को और बेहतर करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा, हमारे पास 60 सालों के उत्पादन की समृद्ध विरासत है। हमें अपने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने युवा शक्ति पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए। सेल के आरएसपी में तैनात 22 प्रबंधन प्रशिक्षु कैडेट को 13 से 23 अक्टूबर तक HRDC में 10 दिवसीय प्लांट निहित स्पेशल ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नए प्रशिक्षुओं को 5S और TPM कार्यान्वयन, ERP पर्यावरण प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और RSP की चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।
प्लांट प्रदर्शन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इससे पहले के सत्रों में सेल आरएसपी के विस्तृत विस्तार, सुरक्षा प्रबंधन, सेवा नियमों, विनियमों, सामग्री प्रबंधन और ई खरीद प्रक्रियाओं और वित्तीय कार्यों, कच्चे माल, रचनात्मकता योजनाओं और आरएसपी और इसकी नगर सुविधाओं में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन जैसे प्रचलित नियमों और विनियमों के बारे में कैडेटों को अवगत कराया गया। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सत्र का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक एचआरडी श्री एच पति ने वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडी श्री एच सी पंडा के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विभिन्न पहलों को लिया गया और शून्य दुर्घटना को एक आदर्श बनाया गया। कर्मचारियों को सुरक्षा जोखिम उठाने वाले सभी खतरों और शर्तों की पहचान, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए ठेका श्रमिकों सहित सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में 11,023 नियमित कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त सुरक्षा समिति की बैठक, विभागीय सुरक्षा प्रशिक्षण, मोबाइल उपकरण ऑपरेटरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण, विद्युत सुरक्षा और आईईई नियमों और गैस सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रबंधन कार्यशाला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा पखवाड़ा एवं सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस भी आयोजित किया गया। इसी तरह कार्य और परियोजनाओं से 10,627 ठेका श्रमिकों को विशेष सुरक्षा जागरूकता अभियान में शामिल किया गया। इस सत्र को सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के सम्मेलन कक्ष, सीपीटीआई, एचआरडी केंद्र और ओएचएससी में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा नियमित सुरक्षा निरीक्षण भी किया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा चक्रों को भी मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रमों को अन्य विभागों के सहयोग से सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों का ये प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।